अमर सुहाग की कथा। अमर सुहाग एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनकी 5 बेटियाँ थीं। पांचों बेटियाँ विधि विधान से देव विधेव महादेव व माँ पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियाँ दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु पांचवी बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता। यह देखकर पांचवी बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक बड़ा क्यों हो जाता है? एक दिन पांचवी बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने पांचों बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु पांचवी बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाकर घर चलाता था, परंतु पांचवी बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी। कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माँ पार्वती का पूजन करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियाँ लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है? हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती ने पूछा, लड़की क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी पार्वती माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से संपन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा भक्ति से अमर सुहाग की शिव पूजन कर कथा सुनेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अनधन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जय जय महादेव माँ पार्वती जी की। दोस्तों, अमर सुहाग की कथा आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।